सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसलस्ट्रो। करंट में WWE की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि ब्रे वायट अब हमारे बीच नहीं रहे, ब्रे वायट इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो गाइज, इसके रिगार्डिंग एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बैड अपडेट निकल के आ रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको ये वाला अपडेट कैसे दूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम है अपडेट देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रे वायट का हमें लास्ट मैच WWE में माउंटेन ड्यू पिच ब्लैक मैच देखने को मिलता है LA नाइट के अगेंस्ट। उसके बाद से आई थिंक फरवरी में उनका हमें लास्ट अपीयरेंस देखने को मिलता है WWE के टेलीविजन पे। उसके बाद से वो गायब हो गए थे। उसके बाद लग ये रहा था कि बॉबी लेस्ली वर्सेस ब्रे वायट का मैच होगा, लेकिन WrestleMania 39 में, लेकिन नहीं होता है। सब लोगों को लग रहा था कि समर स्लैम में उनका रिटर्न होगा, और अभी काफ़ी ज़्यादा अपडेट भी आ रही थी कि हम लोग मतलब काफ़ी रिटर्न के करीब आ चुके हैं ब्रे वायट का। लेकिन गाइज, अमेरिकन टाइमिंग से थर्सडे को ये अनाउंस होता है कि ब्रे वायट ऑफिशियली इस वाले मतलब आप कह सकते हो कि दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। हाँ गाइज, ब्रे वायट अब हमारे बीच नहीं रहे। ब्रे वायट का कॉज ऑफ डेथ ये निकल के आ रहा है कि ब्रे वायट को अभी से कुछ दिन पहले जब कोविड वाला सीन चल रहा था तो उनको कोविड हुआ था, और जिसके कारण से हार्ट अटैक के कारण उनका डेथ हो चुका है। ब्रे वायट अब हमारे बीच नहीं रहे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये वाला अपडेट कैसे दूं। लगभग 36 साल के एज में उनका डेथ हो चुका है, और इतने बड़े WWE के सुपरस्टार का डेथ होना ये आम बात नहीं है। WWE के लिए एक लॉस भी है, आप ये बोल सकते हो कि WWE के लिए एक डायमंड लॉस हो चुका है। अब देखना होगा गाइस कि अब WWE क्या करती है। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट रेसलिंग, ऑल इलीट रेसलिंग एंड WWE ऑलरेडी ट्रिब्यूट दे चुकी है, और काफ़ी सारे सुपरस्टार पहले से ही ट्रिब्यूट देना चालू कर चुके हैं। अब देखते हैं गाइस कि अब क्या देखने को मिलता है WWE में। लेकिन काफ़ी सैड न्यूज़ है, ब्रे वायट अब हमारे बीच नहीं रहे। ब्रे वायट इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, और इसका रीज़न ये निकल के आ रहा है उनके मरने का, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया अचानक से। तो अभी कुछ यही निकल के आ रही है WWE की तरफ से अपडेट, और मैं सुबह सुबह ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे शब्द को बोलूँ और क्या मैं बोल रहा हूँ। वीडियो मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्या ही मैं बोलूँ। चलो ठीक है, जो था मैंने आपको शेयर कर दिया।